केएल राहुल को लगी चोट, टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल फाइनल का हिस्सा नहीं होंगे। मुंबई में हुआ स्कैन, अब इस बड़ी बीमारी की वजह से जीवन भर नहीं खेल पाएंगे केएल राहुल क्रिकेट। जिसके बाद ये भी साफ हो गया कि वो आईपीएल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी नहीं खेल पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस खिलाड़ी के साथ, जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। जिसके सामने आने के बाद डॉक्टर्स ने भी केएल राहुल को क्रिकेट से त्याग लेने की सलाह दी है। लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि केएल राहुल की जगह रिंकू सिंह, ईशान किशन या किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, आईपीएल 2023 रोमांचक होता जा रहा है। सभी टीमें आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने की होड़ में लगी हुई हैं। कुछ टीमें इसके बेहद करीब हैं तो कुछ के लिए वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है। और प्लेऑफ में पहुंचने वाली थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को आरसीबी की टीम के खिलाफ उन्हें 2-2 झटके लग गए। पहला झटका तो विराट और गंभीर की हाथापाई वाला वीडियो पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को ऐसा लगा है, वो इस टीम को आईपीएल सीजन से ही बाहर कर देगा। जी हां, लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को गंभीर चोट लगी है। राहुल को दाहिनी जांग में ये चोट मार्क स्टोइनिस की गेंद पर फॉफ टू प्लेसेस के जी जान लगाकर कवर ड्राइव को बाउंड्री के पास रोकने की कोशिश के दौरान लगी थी। ये चोट इतनी गंभीर है कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेडिकल टीम उन्हें मैदान पर आकर स्ट्रेचर पर ले गई, जहां इलाज के दौरान ये बताया गया कि अब वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई ने उनकी निगरानी में स्पेशल मेडिकल टीम लगाई है, जहां उनकी इंजरी पर पैनी नजर रखी जा रही है। चोट गंभीर है, सूत्रों ने बताया है कि ये एक अच्छी बात है कि केएल राहुल को कोई डिस्क लो इंजरी नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि उनकी स्थिति नाजुक है। जहां तक इस स्तर की बात है तो वो अब आईपीएल नहीं खेल सकते। साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते कि वो डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भी समय पर फिट हो पाएंगे या नहीं। फिलहाल उन्हें रेस्ट की जरूरत है और ऐसा हो सकता है कि आने वाले मैचेस में वो दिखाई भी ना दें। तो दोस्तों, केएल राहुल की चोट पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।